सुप्रभातम सर्वेषां मंगलमयं भवतु। अहम राधारानी त्रिपाठी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डुंगरीपाली अद्य दशमी श्रेण्यां कृते संस्कृत विषयस्य अनुच्छेद विभागे स्वागतम। प्रिय छात्राः अद्य अनुच्छेद विभागस्य परबुद्धि भयंकरी विषये पठिष्यामः। भाई भौनी माने ये आम अनुच्छेद विभाग जो परबुद्धि भयंकरी अच्छी अर्थात अन्यर बुद्धि प्रलय अटे भयंकर अटे कि विषय आज आम पढ़वा यह पढ़ा सहित यार अर्थ मध्य जानवा एवं तत्सहित आम अनुवाद शिखा ता सहित सरल सहज सुबोध्य होता अभ्यास गुड़िक आम जापर देखा कौन सब अच्छी आसी चंदकारण्य स्थूलबुद्धि नाम पशुराज सिंह चंदका जंगल स्थूलबुद्धि नाम सिंहटीए थिला तस्य अमात्यसु तीक्ष्णबुद्धि नाम श्रृगाल अतीव विश्वस्त प्रियश्च आसीत प्रियुक्त चुक्त आसीत तार मंत्री मानक अमात्य कहले मंत्री तार मंत्री मानक तीक्ष्ण बुद्धि नामक बिलुआ अति विश्वासी एवं प्रिय थिला सिंहपी नित्य मृगान व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा श्रृगालं भुजयति सिंह मध्य प्रतिदिन हरणमानंकु मारी निजे खाए बिलुआकु मध्य खुआए एकदा सिंह ज्वरण पीड़ितो मृगयार्थम न गच्छत थरे सिंह ज्वर रे पीड़ित हो शिकार पाई आउ जंगल को गला नहीं अतः स तीक्ष्ण बुद्धि मावत एणु से तीक्ष्ण बुद्धि को कहिला मम कृते किंचित भोज्यम आहार मोपाई किसी खाद्य संग्रह कर बोली कहिला श्रृगाल खाद्य से अन्वेषणाज इतस्तत् भ्रमण किमपि न लभन बिलुआ मध्य खाद्य अन्वेषण निमन्ते एणे तेणे बुलिला हेले किछि हेले पाइला नहीं प्रत्यावर्तन काले स निर्विवेक नामक गर्दम दृष्टवान फेरिया बाटरे से निर्विवेक नामक गोटे गधटीए देखिला कथम गर्धवे विश्वासम उत्पाद्य सिंहस्य भोज्यार्थम अनीन नश्यामीति स चिंतितवान किपरि गधठारे विश्वास जन्माए सिंहर भोजन पाई एहाकु नेबी बोले से चिंता कला ततः सह गर्धम उपागत्य अवदत तापरे से गध पाखरे पहुँची कहला मित्र अधुना अस्मन् पशुराजस्य एकः सचिवः आवश्यकः सखा वा सांग वर्तमान आम पशुराजंकर जणे सचिव वा मंत्री आवश्यक हेउचि तदर्थम भवानेव सर्वथा योग्यः भवान युक्त एव सेतिबै आपण समस्त प्रकारे योग्य अटंती तरी सत्परम मया साकम आगच्छत भवान इत्युक्त्वा ततः चलितः तेबे संगे संगे आपण मो सहित आसंतु एमिति कहि सेठारु चालिला। निर्विवेकः मूर्खदोषात् श्रृगाले विश्वस्य सिंह सकाशम गत्वा प्रणम्य अवदत निर्विवेक मूर्खामी जोगु बिलुआ को विश्वास करी सिंह पाख को जाए प्रणाम करी कहिला प्रभु हे प्रभु भवतः सचिव भवितुम आगतौ हम आगतः जुत अहम हे प्रभु आपणक सचिव बा मंत्री हेवाकु मु आसीछि भवतः सचिव भवितुम आगतो हम एतत् श्रुत्वा सिंह कपटहासं दर्शितवान यहाँ शुणी सिंह कपटहास देखाइला स तेन उक्तम ताद्वारा कहगला अवश्यम मम सचिवत्वेन त्वाम नियोजयिष्यामि से कहिला अवश्य मोर सचिव भावे तोते नियुक्त करिबि अतः ममान्तिकम आगच्छ मम अंतिकम आगच्छ एणु मो पाखकु आस
निर्बुधः गर्धवः सानन्दं सिंहसमीपम् आगच्छत्। निर्बुद्धिया गर्ध आनन्दर सहित सिंह पाखकु आसिला। सिंहोपि दन्तर्नखैश्च गर्धवस्य गलदेशं विभिद्य रक्तं पीत्वा बहिरगच्छत्। सिंहयुक्त अपि सिंहपि सिंह मध्य दांत ओ नख द्वारा गधर गला कणा करि रक्तपान करि बाहरको चालिगला। तत्रस्थः शृगालः क्षुधया मृतगर्धवस्य शिरः शीघ्रम् अवक्षत्। सेठारे थिबा शृगाल भूकरे मृतगधर मुंड संगे संगे भक्षण कला। सिंह बहिरागत्य कगतम गर्धवस्य शिरः इति पृष्टवान्। सिंह बाहर फेरी आसी पचारिला गधर मुंड कुआडे गला। बुद्धि शिरसि विद्यते गर्धवः निर्बोधः भवति अतः तस्य शिरः क्व बुद्धिमुंडरे थाए। गधर बुद्धि नाही एणु तार मुंड क्योंठु आसीब। इति शृगाल वदत् बोली बिल्वा कहला। सिंहोपि शृगालस्य वचनं सत्यं मन्यमानं मांसं खादित्वा असेत। सिंह मध्य बिल्वार कथाकु सत मन करि मांस खाइ सुइला। अतः सुष्टुं वक्तुं शक्यते एणु यथार्थरे कुहाजैछि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा परबुद्ध्या भवेच्च किं। जार निजर बुद्धि नाही परबुद्धि कौन बा होइपारे। निर्विवेक समोहनाश मूर्ख दोषाद् भविष्यति। निर्विवेक परि मूर्ख दोषर मृत्यु हेब हिं हेब। अर्थात निजर बुद्धि जार नाही अन्नर बुद्धि संपूर्ण रूपे भयंकर अटे प्रलयंकरी अटे। एणु आम निजर बुद्धि लगे चलवा निजर बुद्धि को खटवा। ठीक अच्छे बर्तमान अच्छे आमर अभ्यास को जीवा। संक्षिप्त उत्तरम लिखत। संक्षिप्त भाव उत्तर दिखाई देखा नंबर एक रि अच्छी सिंह नित्यम किम करोति। सिंह नित्य कौन करे। चंदका अरण्य बास करुवा स्थलबुद्धि नामक सिंह प्रतिदिन मृग मान मारि निजे खाई मिलवा को खुए। खरे अच्छे गर्धव दृष्टा श्रृगाम किम अचिंत। गर्धव को देखि बिलुआ कौन चिंता कला। तीक्षण बुद्धि नामक बिलुआ निर्विवेक नामक गध को देखि चिंता कला जे किपर यही गध मन में विश्वास जन्माई सिंहर भोजन ने गौर अच्छी। गर्धवस्य समीपम गत्वा श्रृगाल किम अवदत। गध पाख को जाए बिलुआ कौन कहला। तीक्ष्ण बुद्धि नामक बिलुआटी गध निकट को जाए कहला हे मित्र आम पशुराज सिंहर जड़े मंत्री आवश्यक तेणु आपण ही योग्य बेचित अटंती शीघ्र मो सहित आसतु। घ किम कृत्वा सिंह बहिरागछत। कौन कर सिंह बाहर को चलीगला। सिंहर मंत्री होगा इच्छा कर ता निकट को आसी गधर बेक को से दात और नख साहय छिन्न कर रक्त पी बाहर को चलीगला। दि नंबर अति संक्षिप्त उत्तर लिखत। आम गोटे शब्द उत्तर देवा सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम स्थूल बुद्धि। श्रृगालस्य नाम किम तीक्ष्ण बुद्धि। कथम सिंह मृगार्थम नागछत ज्वर हेतु। सिंह कस्य रक्तम अपिवत गधर रक्त पीला। क्षुधया श्रृगाल किम अवक्षयत। क्षुधारे बिलुआ कौन भक्षण कला। से भोक हेतु बिलुआटी गधर मुंड को खाईदेला। भाई भाई मैंने आम यहाँ निजर संस्कृत खाते लिखा एवं यहाँ मुखस्त करवा बारंबार ये अनुच्छेद पढ़िबा। धन्यवाद।